अपनी भविष्यवाणियों को लेकर बाबा वेंगा एक बार फिर चर्चा में है। बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने दुनिया को लेकर कई पूर्वानुमान लगाए थे, जिनमें से कई पूरी तरह से सच साबित हुए हैं। उनकी साल 2022 को लेकर की गई दो भविष्यवाणियां सच साबित हो गई हैं। अब बाबा वेंगा की दो भविष्यवाणियां हैं, जिसमें से एक भारत को लेकर है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें, बाबा वेंगा ने दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से बहुत सी सच साबित हुई हैं। हालांकि बाबा की कई भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई हैं। आपको बता दें, साल 2022 के लिए बाबा वेंगा ने कई भविष्यवाणियां की थी। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के लिए उनकी कही गई बातें सच साबित हुई हैं, जबकि भारत और रूस के लिए उन्होंने जो कहा था उसे लेकर अब लोग सहमे हुए हैं। बाबा वेंगा की तरफ से कहा गया था कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ और यूरोप में सूखा फैलेगा। उनका ये अंदेशा सच साबित हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर शुरुआत में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे वहां भीषण बाढ़ आ गई थी। इसके अलावा दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो यूरोप में भारी सूखे का भी असर दिखाई दे रहा है। यूरोप में बड़े बड़े ग्लेशियर्स इन दिनों सूखे की चपेट में हैं। ब्रिटेन में सूखे का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। ब्रिटेन के साथ साथ इटली और पुर्तगाल भी सूखे की चपेट में हैं। अब लोगों की नजरें भारत और रूस पर की गई उनकी भविष्यवाणी पर है। 2022 में भारत की स्थिति को लेकर बाबा वेंगा ने कहा था कि दुनिया का तापमान गिरने की वजह से टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। भोजन की तलाश में टिड्डियों के झुंड भारत पर धावा बोलेंगे, जिससे फसलें नष्ट हो जाएंगी और देश में अकाल फैलने की नौबत आएगी। इसके अलावा उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी रूस को लेकर की है, जिसमें बाबा वेंगा ने कहा था कि देश के साइबेरिया इलाके से 2022 में एक खतरनाक वायरस निकलेगा। ये तेजी से फैलने वाला होगा और लाखों लोगों के जान जाने की वजह बनेगा। अब बाबा वेंगा की इन दोनों भविष्यवाणियों को लेकर लोग चिंता में हैं। आइए अब आपको बताते हैं, आखिर कौन है बाबा वेंगा जो अपनी भविष्यवाणियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। पूरी दुनिया में अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध बाबा वेंगा एक फकीर थी, जो आंखों से नहीं देख सकती थी। वो बुल्गारिया की रहने वाली थी और उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो कि सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में हुआ था और मात्र 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जानकारी के मुताबिक उनकी 85% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, लेकिन उनके कुछ दावे गलत भी साबित हुए हैं। कहा जाता है कि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को कहीं लिखा नहीं गया था, बल्कि इन भविष्यवाणियों को बाबा वेंगा ने अपने अनुयायियों को बताया था। बाबा वेंगा की मौत 1996 में हुई थी, लेकिन मौत से पहले ही वो सन 5079 तक की भविष्यवाणी कर चुकी थी, क्योंकि उनके मुताबिक सन 5079 में दुनिया का अंत हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।